अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिजनेस डिबेट विद सुहेल अशारी के साथ मैं हूं आपका मेजबान इशरत खातिब। आज हम जिस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है पाकिस्तान में टूरिज्म। इन तमाम मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ कारोबारी शख्सियत जनाब सुहेल अशारी साहब। टूरिज्म अभी भी इस मुल्क खुदादाद में एक बेबी इंडस्ट्री है। बहुत अरसे पहले इसको इंडस्ट्री की सतह भी नहीं दी गई थी और दर्जा भी नहीं दिया। अब इस वक्त 2017 में आते आते बहुत से ऐसे तफरी मुकामों पे पार्क, अम्यूजमेंट सेंटर, सिनेमा और इस किस्म के जितने भी इंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के अदारे हैं वो खुल रहे हैं। हुकूमत की तरफ से इस अभी तक कोई भी ऐसी इकदाम नहीं किए गए ताकि इसको सपोर्ट किया जा सके और तो कुछ भी नहीं हम चाहते ऐसी सपोर्ट, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। ऐसा सपोर्ट ही होती है क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा खर्चा होता है और सबसे जो पहली जरूरत होती है वो इसकी लैंड होती है। हुकूमत जो है वो लीज पे या वैसे प्राइवेट इंडस्ट्री को ये जगह दे ताकि वो इसके ऊपर रिजॉर्ट्स बना सके। ये बताइएगा कि जो आबी ज़खायर की सतह है वो खतरनाक हतरीन सतह तक कम हो चुकी है, तो इसमें हुकूमत को क्या किरदार अदा करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर जो है उसको क्या किरदार अदा करना चाहिए? पानी जो है वो एक ऐसा जरिया है जिससे कि सारी जिंदगी का दावेदार है। हमारे मुल्क में सिर्फ 30 दिन का पानी मौजूद है, तो खुदा न खास्ता किसी वजह से बारिश ना हो या पहाड़ों पे बर्फ ना पिघले तो आपके पास सिर्फ 30 दिन का पानी। जो मैं अपने नाज़रीन को बावर करना चाहता हूँ वो बात यह है कि जो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह है वो इतनी नीचे चली गई है कि अब आपको जो हम एक वक्त में इस कार पर ट्यूबवेल लगाते थे कि सेम थोर हो गया, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया और हमने इतने ट्यूबवेल लगाए, इतना पानी निकाला कि अब इस वक्त जो पानी है वो हमारे पास पर कैपिटल यानी हर इंसान के ऊपर सिर्फ 861 क्यूबिक मीटर रह गया, जो कि बहुत ही यानी कि आप मुझे कह ज़्यादा जो इलाके करार दिए जाते हैं उनमें ये हमारा शुमार होना शुरू हो जाएगा और हो रहा है।